हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025। और इसमें आपको पता होगा कि अभी वहां के शिक्षा मंत्री ने बोला कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी, तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा और क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या प्रमुख बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग की बैठक की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई थी, तो रीट प्री 2025 का आवेदन कब होगा इस पे चर्चा होगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा इसको जानेंगे, परीक्षा कौन कराएगा यानी कि कौन संस्था जो है वो परीक्षा कराएगी और कितने परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं, लगभग कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और वैकेंसी कुल कितनी आएगी, तो इन सब बातों पे हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे। रीट 2025 का आयोजन जनवरी के मतलब 20 जनवरी के आसपास होगा, यानी जनवरी महीने में ही होगा और 20 जनवरी के आसपास यानी 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी के बाद हो सकता है। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको रीट के नाम से जानते हैं, रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। दूसरा पखवाड़ा यानी 15 जनवरी के बाद, वही चीज 20 जनवरी के आसपास। सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। अभी परीक्षा की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास हो सकता है। आवेदन अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, यानी कि अक्टूबर के बात करें तो लास्ट वीक में, ठीक है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी शुरुआत हो सकती है इसके आवेदन की। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी होगी या नहीं, तो उसके लिए क्या सिस्टम है कि परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले से शुल्क निर्धारित है वही रहेगा। लेवल वन के लिए 550 रुपए और लेवल टू के लिए 550 रुपए और दोनों लेवल के लिए 750 रुपए देने होंगे। जैसे कि अगर आप केवल लेवल वन का भर रहे हैं तो आपका 550 लगेगा, या केवल आप लेवल टू का भर रहे हैं तो 550 लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों भर रहे हैं एक साथ बौद्ध रूप में तो ऐसे में 750 रुपए में आप दोनों एग्जाम दे पाएंगे। अब बात करते हैं, अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे, बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली। देखिए, जब आप रीट का एग्जाम देने बैठेंगे तो वहां पे हर प्रश्न पे 5 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक, एक चीज ये क्लियर होगा। दूसरा चीज है कि जो बोर्ड आपका ये जो बोर्ड जो है अब तक कराता आया है वही कराए। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर इस बार रीट में भी सवालों में 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसको 5वें विकल्प अनुत्तरित प्रश्न को भरना होगा। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बदलाव नहीं है, जो बदलाव हुआ यही है कि 5वां विकल्प रहेगा और 5वां विकल्प में जैसे आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, तो आपको उसको भरना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले रीट का आयोजन 2 साल पहले जुलाई 2022 में हुआ था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की बैठक के बाद शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने की घोषणा की। रीट के लिए बोर्ड को ही फिर जिम्मेदारी मिली है। जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान का है, उसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं इस बार लगभग कितने फॉर्म पड़ेंगे या कितने परीक्षार्थी एग्जाम में बैठेंगे। तो देखिए, पिछले जो अगर इसमें बात करें तो देखिए 10 लाख अभ्यर्थी इस बार दे सकते हैं लगभग परीक्षा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले रीट 2022 में 15,66,922 ने आवेदन किया था। सोच सकते हैं 2022 में 15 लाख से अधिक फॉर्म पड़े थे और इनमें से 14,75,918 ने परीक्षा दी थी। लेवल वन के लिए 3,20,014 व लेवल टू के लिए 11,55,904 शामिल थे। इनमें से लेवल वन में 2,03,609 और लेवल टू में 6,03,228 अभ्यर्थियों को रीट की पात्रता मिली, यानी कि प्राइमरी लेवल मतलब लेवल वन में 2,03,000 लगभग कैंडिडेट पास हुए और लेवल टू में 6,03,000 कैंडिडेट पास हुए। कुल 8,06,000 को पात्रता मिली और 7,60,155 को पात्रता नहीं मिली। अब यह अभ्यर्थी पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे। इसके अलावा इन 2 सालों में बीएड बीएसटीसी करने वाले भी 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी भी भाग आजमाए, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे लगभग 7.5 लाख
और कम से कम 2.5-3 लाख और नए कैंडिडेट, तो ऐसे में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इस बार की रीट 2025 में शामिल होने की संभावना है। और इस पर शिक्षा मंत्री ने क्या घोषणा किया था वो देख लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों, योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो रीट में के आधार पर जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और वो सभी अभी से अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाए, बहुत सुनहरा मौका है। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।